टाइम पूरा कश्मीर और लद्दाख भी किया था 2010 में। कैसा एक्सपीरियंस था? अभी भी बहुत मस्त था। आज का एक्सपीरियंस कैसा है? अभी भी अच्छा है, बट थोड़ा भीड़ बढ़ गया है। भीड़ बढ़ गया। हाँ। वो जो कश्मीर का अथेंटिक ऐसा सब लुक था, थोड़ा सा कमर्शियल ज्यादा हो गया। अभी फिलहाल हम एक ही जगह गए, वहाँ शंकराचार्य। हाँ, और बाकी आगे तो कल गुलमर्ग और बस यही लोकल एरियाज में। हाँ, उनके लिए यही मैसेज है कि हम काफी एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ होते तो और भी अच्छा लगता हमें। और नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू संवाद, मैं हूँ साजिद सईद। कश्मीर में इस वक्त चिलेकलान का टाइम चल रहा है और ये 40 दिन का टाइम बहुत ही सख्त टाइम होता है, बहुत ही सख्त तरीन दौर होता है पूरे साल का, क्योंकि इस टाइम कश्मीर में बहुत ज़्यादा सर्दी देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है डल लेक श्रीनगर, जो अपने आप में ही एक बहुत ही मशहूर जगह है। यहाँ पे पूरी दुनिया से, पूरे देश से टूरिस्ट आते हैं सैर के लिए, लेकिन कई दिनों से हमने देखा कि धुंध काफी ज्यादा देखने को मिली है, खासकर श्रीनगर में। अब इस वक्त देख सकते हैं लाइव विजुअल्स में कि कितनी ज्यादा यहाँ पे धुंध है, और इस धुंध की वजह से जो ट्रैफिक यहाँ पे चल रहा है उनको काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करते हैं यहाँ पे टूरिस्ट से और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस सर्दी के बारे में। आप बने रहिए जम्मू संवाद पे। नाम कल्पना परिहार है। आप कहाँ से आए? आप कश्मीर में? नहीं, फर्स्ट टाइम। कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, बहुत ही अच्छा व्यू है, सीनरी वगैरह। सर्दी के बारे में क्या कहते हैं? काफी ठंड है वहाँ के कंपैरिजन में। इतना एक्सपेक्ट किया था कि नहीं? इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी कुछ दिनों में ये पूरा डल फ्रीज हो जाएगा। हाँ। कौन कौन सी जगह पे आपके टूर के लिए? अभी फिलहाल हम एक ही जगह गए, वहाँ शंकराचार्य। शंकराचार्य। हाँ, और बाकी आगे तो कल गुलमर्ग और बस यही लोकल एरियाज में। हाँ, उनके लिए यही मैसेज है कि हम काफी एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ होते तो और भी अच्छा लगता हमें। मेरा नाम आनंद है। आप कहाँ से आए? हम लोग बेंगलोर से आए। बेंगलोर से टूर के लिए आए? यहाँ पे आज टूर के लिए आए। फर्स्ट टाइम आए या? फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। सो कैसा लग रहा है ठंड में? ठंड में बहुत बढ़िया बढ़िया था। अभी हमारा ये थर्ड दिन है कश्मीर में। और इतनी ठंड एक्सपेक्ट की थी कश्मीर? नहीं नहीं, एक्चुअली सोचे थे ठंड के लिए आया और अच्छा लगा इधर, अभी जो मौसम है करंटली। ओके, तो आगे क्या प्लान है आपका, कहाँ पे जाना है आगे? आगे हम लोग पहलगाम जाएंगे। पहलगाम और कहीं? और गुलमर्ग जाएंगे, गुलमर्ग स्कीइंग। अभी बर्फ रहेगा ना? चलिए। श्रुति। श्रुति कहाँ से आए? मुंबई से। मुंबई से फर्स्ट टाइम है या? सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम कहाँ गए थे? फर्स्ट टाइम पूरा कश्मीर और लद्दाख भी किया था 2010 में। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी भी बहुत मस्त था। आज का एक्सपीरियंस कैसा है? अभी भी अच्छा है, बट थोड़ा भीड़ बढ़ गया है। भीड़ बढ़ गया। हाँ। वो जो कश्मीर का अथेंटिक ऐसा सब लुक था, थोड़ा सा कमर्शियल ज्यादा हो गया। लेकिन तभी जो कश्मीर लगा था थोड़ा फर्क लग रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा ही है। अच्छा ही है, डेवलपमेंट लग रहा है। हाँ, डेवलपमेंट तो है। रास्ते वगैरह? हाँ, रास्ते बहुत अच्छे। लास्ट टाइम जब आप आए थे तब सर्दी थी इतनी ज्यादा? हम तभी समर में आए थे। समर में आए थे तब, अप्रैल में आए थे। विंटर में फर्स्ट टाइम? विंटर में फर्स्ट टाइम आए। सर्दी का कैसा एक्सपीरियंस? बहुत सर्दी है। लेकिन हम इसी के लिए आए आपके, सर्दी के लिए। अभी तो होगा हमारा लास्ट डे, अभी आज फ्लाइट है, एयरपोर्ट जा रहे हैं।
बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब ने आना चाहिए कश्मीर टूर एक बार तो लाइफ में, कश्मीर देखना बनता ही चाहिए, बनता ही है। चलिए, जो लोग बेसब्री से बर्फ का इंतजार कर रहे हैं उनको अभी फिलहाल कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि महकमे मौसमियात के हवाले से फिलहाल बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है मेन सिटी में। आपको बता दें कि काफी सारे जो टूरिस्ट